अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि न्यूमेरिकल्स को आपने किस तरह से प्रेजेंट करके आना है अपने पेपर के अंदर, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ना सिर्फ आपको फुल मार्क्स मिले बल्कि आपका चेकर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, और चेकर के लिए जितनी ईज करेंगे वो उतना ही आपको प्रिविलेजेस देगा, वो उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको देगा। तो लेट स्टार्ट आर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पार्ट टू की हेडिंग देनी है, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है, आप अटेम्प्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपने उसका क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर एंड जीरो के साथ आपने लिखना है। 02 है, 03 है, 04, 05, वट एवर, लेकिन जीरो के साथ आपने अपने नंबर को लिखना है। इस तरह से थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है आपका पेपर। देन आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा, पार्ट ए, वो आपका थ्योरी का होगा, यानी उसके अंदर आपने आंसर लिखना होगा, तो वो आपने थ्योरी का पार्ट ए अटेम्प्ट करना है। देन वी हैव द बी पार्ट जिसके अंदर आपका न्यूमेरिकल होता है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल की बी पार्ट के साथ हेडिंग दे लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों साइड में मार्जिन लाइंस होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका पार्ट वन बहुत क्लियरली नज़र आ रहा हो हमारे पास। देन लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग हो, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग हो, देन बी पार्ट बहुत विजिबल हो, एंड देन आपका न्यूमेरिकल की हेडिंग हो। फिर आपने क्या करना है, जो भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने दो तीन उसके स्टार्ट के वर्ड्स लिखने हैं, देन आपने थ्री डॉट्स डालने हैं, एंड दो तीन वर्ड्स आपने लास्ट के लिखने हैं, एंड क्वेश्चन मार्क कर देना है, ताकि आपके चेकर को पता चले कि आप क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करें, न्यूमेरिकल कौन सा अटेम्प्ट करें। ठीक है, देन आपने लिखना है कि आपको गिवन क्या क्या है आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो फोर्स एफ से रिप्रेजेंट है, 20 न्यूटन दी है। देन वी हैव गिवन द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, ए से रिप्रेजेंट है, एंड 2ms-2 है। ठीक हो गया, ये हमें गिवन थी चीज़ें। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, उसने हमसे मांगा क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं या आप टू फाइंड भी लिख सकते हैं, कि जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास मास ऑफ द बॉडी उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमने उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमने फॉर्मूला की हेडिंग देनी है, यानी हम किस फॉर्मूला के जरिए से अपने मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को हम इधर ही रखेंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। ये बेसिकली हमारे पास होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आपने सबसे पहले गिवन की हेडिंग दी, रिक्वायर्ड की हेडिंग दी, फॉर्मूला की हेडिंग दी। देन वी हैव द कैलकुलेशन की हेडिंग। ठीक है, अब कैलकुलेशन हमने करनी है। हमने मास इज इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा। देन वी हैव द कैलकुलेशन, हमने मास की जगह फोर्स की जगह हमने 20 न्यूटन डाला, हमने मास की जगह हमने एक्सेलरेशन की जगह 2ms-2 डाला, एंड हमने उसको कट आउट किया, तो हमारे पास 10 आया। मास का आंसर हमारे पास 10 kg आ गया। अब लास्ट में हमने रिजल्ट की हेडिंग देनी है, एंड हमने वही क्वेश्चन में से वो लाइन को निकालना है। द बॉडी विद 20 न्यूटन फोर्स एंड 2ms-2 एक्सेलरेशन हैज़ मास ऑफ कितना, मास और 10 kg। आपने इसका यूनिट जो है वो ज़रूर मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट का आपके पास मार्क्स होते हैं, जिसने यूनिट नहीं लिखा होता या गलत लिखा होता तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने यूनिट को बहुत अच्छे से फोकस करना है सारे न्यूमेरिकल्स पे, और यूनिट को ज़रूर मेंशन करके आना है। ठीक है, दैट इज़ ऑल। आपने किस तरह से अपने न्यूमेरिकल को प्रेजेंट करना है, आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है, मैं आपको प्रॉपरली पूरा भी दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है, अपनी डबल लाइन होनी चाहिए, न्यूमेरिकल ख़त्म होने के बाद आपके पास दो लाइन्स होनी चाहिए, एंड देन योर क्वेश्चन इज़ ऑल डन। That is all from my side. I have tried my best कि आपको बहुत अच्छे presentation मिल सके, and आप अपने checker को impress कर सके अपनी presentation के साथ। दो आपकी writing अच्छी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी भी writing अच्छी नहीं थी, लेकिन I scored full marks in all sciences subjects। तो मैं आपको ज़रूर recommend करूँगी कि just ease your checker और आपको मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, आपको अपनी राइटिंग के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इस तरह की और मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, या आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।